देखिए हमारे पुराणों में जो इनका प्रयोग किया गया है, जो SI की रिपोर्ट के अनुसार, वह अवमुक्तेश्वर ही है, क्योंकि शिव महापुराण में और लिंग पुराण में अवमुक्तेश्वर का उल्लेख मिलता है, जिस पर कि सबसे पहले इल्तुतमिश ने 11वीं शताब्दी में आक्रमण किया, उसके बाद रजिया सुल्तान से ने, और फिर उसके बाद सिकंदर लोदी ने, और सिकंदर लोदी के पश्चात इसका पुनर्निर्माण किया गया अकबर के काल में राजा मान सिंह के द्वारा, और उसके ठीक 100 वर्ष उपरांत यानी कि 1669 में यह मंदिर औरंगजेब के एक फरमान के द्वारा तोड़ दिया गया और उसके स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया। एक ग्रंथ जो स्वयं साकी मुस्तैद खां का है, मासिरे ए आलमगिरी में स्पष्ट हो जाता है, जिसमें एक तरह से औरंगजेब ने स्वयं ही मंदिर के तोड़ने की बात स्वीकार की है, जिससे कि स्पष्ट हो जाता है 8 अप्रैल 1669 को उसने एक आदेश दिया था, जिसमें कि हिंदू मंदिर को गिराने के लिए उसने एक फरमान जारी किया गया था और कहा था कि सूबेदार अपनी इच्छा से मंदिरों, पाठशालाओं इत्यादि को नष्ट कर दें और मूर्ति पूजकों के शास्त्रों को विनष्ट कर दें। ऐसी बात उसने कही थी, क्योंकि उसके बाद इस मंदिर में 2 सितंबर 1669 को बादशाह को खबर मिली कि उससे बनारस के मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, जो मूलतः अवमुक्तेश्वर मंदिर था, उसे गिरा दिया गया है, और गिराया ही नहीं गया, उसके ऊपर तुरंत मस्जिद का निर्माण करा दिया और बनारस का नाम बदल करके औरंगाबाद रख दिया गया। सर बात की जाए तो अवमुक्तेश्वर जो शब्द आ रहा था, तो उस समय जो उसको फरमान जारी हुआ था, उसके बाद मंदिर गिराया गया था, तो उनको यही बताया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर गिराया गया है या अवमुक्तेश्वर गिराया गया है। आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मोटे तौर से आप अवमुक्तेश्वर या विश्वनाथ मंदिर, जिसको कि ये वाला नहीं था जो वर्तमान में, वो नहीं, ये तो काफ़ी नया है, पुराने वाले मंदिर की ही हम चर्चा करते हैं। सर बात की जाए तो काशी पर औरंगजेब की नज़र कब पड़ी थी और कैसे? देखिए काशी पर औरंगजेब की नज़र इसलिए आई थी क्योंकि 1666 में छत्रपति शिवाजी ने को दिल्ली, जब छत्रपति शिवाजी को दिल्ली बुलाया गया, उनका अपमान किया गया, कैद किया गया, वे वापस आए तो काशी में आकर के छिपे थे, इसलिए औरंगजेब ने काशी की ओर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि वह हिंदू धर्म के अग्रज थे, इसलिए उसने काशी को सबसे पहले अपना निशाना बनाने का प्रयास किया। उसके पहले वो जिस समय आदेश पारित किया गया था पृथ्वीवासेश्वर को भी अपना निशाना बना चुका था।